सरल आवर्त प्रगामी तरंग, यह शॉर्टली चैप्टर का नाम प्रगामी तरंग। प्यारे बच्चों, अगर किसी माध्यम में कोई तरंग बने, जैसे कि पीछे यांत्रिक तरंग, रुदय तरंग, ध्वनि तरंग आपने देखा, और तरंग के संचरण के दौरान जो माध्यम के कण है वो सरल आवर्त गति करते रहे, तो ऐसी तरंग को सरल आवर्त प्रगामी तरंग या केवल प्रगामी तरंग कहा जाता है। प्रगामी तरंग जब जो है यक्ष अक्ष की धन दिशा में चलती हो, यक्ष अक्ष की धन दिशा इधर होती है ना, यक्ष अक्ष, प्रगामी तरंग ध्यान से देखिए, यक्ष अक्ष की धन दिशा में संचरित हो तो तरंग का समीकरण याद रखिएगा, y बराबर a साइन 2 पाई t बाई टी माइनस एक्स बाई लिम्डा। इसी समीकरण को कई रूपों में कई तरह से लोग लिखते हैं, जैसे कुछ लोग इसी समीकरण को ऐसे भी लिखते हैं, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, हमने यह भी लिखाया है ओमेगा टी माइनस के एक्स, या इसी समीकरण को ए साइन टू पाई टी माइनस एक्स अपान बी ऐसे भी लिखते, लिखाया है ना, याद आया? Yes, और इतने ही जरूरत हमको है, बाकी और है लिखते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए जरा, टी का मतलब है उनैसा समय, ए का मतलब है आयाम, सभी लोग देखिएगा, लेमडा का मतलब है तरंग दैर्ध्य, सभी लोग देखिएगा, कैपिटल टी का मतलब है आवर्त काल, और वी का मतलब है चाल, ठीक है। यहां बच्चों फर्जी सूत्र जानते रहिए, पीछे की कक्षाओं में पढ़े हुए, वी बराबर ए एंड लेमडा आपने कहीं पढ़ा है, तरंग की चाल वी बराबर ए एंड लेमडा, या आपने पढ़ा है वी बराबर लेमडा बाई टी, ऐसे ही ओमेगा बराबर 2 पाई बाई कैपिटल टी या 2 पाई इंटू एन। ये सूत्र पीछे के चैप्टरों के हैं, इन्हें आप पढ़ रखे हैं। तो एक सूत्र ये महामहत्वपूर्ण है, दूसरा लिखने जा रहा हूं, कलांतर एवं पथांतर में संबंध। तो डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपान लिम्डा इंटू डेल्टा एक्स, यहां डेल्टा फाई क्या है हमसे पूछो, कलांतर, डेल्टा एक्स क्या है हमसे पूछो, पथांतर। ऐसे ही उनैसा जी डेल्टा फाई इक्वल 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या है हमसे पूछो। कुल 11 प्रश्न बोले हुए हैं हम आपको, और मेरी इच्छा है कि जब सब कुछ उल्टा चल रहा है तो यहां भी उल्टा, 11 से पहले की ओर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 से लौट रहे हैं। तो 11वां प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, आप सभी लोग सुनिएगा, पढ़े। एक प्रगामी तरंग की चाल 400 मीटर पर सेकेंड तथा आवृत्ति 500 हर्ट्ज है। तो प्यारे बच्चों, चाल का मतलब वी 400 मीटर पर सेकेंड, आवृत्ति मतलब यंग 500 हर्ट्ज, ऐसे लिख दिए, दिया था, बोल रहा था, दो निकटवर्ती कलों के बीच कलांतर पाई बाई 4। कलांतर हमेशा रेडियन में रहना भी चाहिए, ना दिए है बदल लेना उन्हें सब, तो उनके बीच पथांतर बताओ, डेल्टा एक्स बताना है। देखो बेटा, वी और एन से लिम्डा आ सकता है, यहां देखो वी बराबर क्या है,
लैम्डा बराबर बी अपान एन चार बटा पांच। किसकी वैल्यू आ गई? लैम्डा की वैल्यू। अब बच्चों कलांतर पथांतर का ये सूत्र है, डेल्टा फाई बराबर टू पाई बटे लैम्डा। आगे बढ़े, डेल्टा फाई क्या लिखते हैं हिमांशु बेटा? डेल्टा फाई क्या करते हिमांशु? लैम्डा डेल्टा एक्स नहीं, चार चार कट गया, पाइस पाई कट गया। डेल्टा एक्स अपने आप देखो, दो पंच एक बटा दस माने दशमलव एक मीटर। ओके, कोई डाउट? इसी के तरफ सवाल नंबर दस, दसवां देखिए जरा। किसी माध्यम में एक तरंग की तरंगदैर्ध्य 0.5 मीटर है। तरंगदैर्ध्य की संख्या लिखी जाती है सिद्धांत। इन सवालों में एक दो सवाल एग्जाम में जरूर आएगी सबके। दो बिंदुओं के बीच कलांतर पाई बाई फाइव है। कलांतर कितना दिया बेटा? दो कणों के बीच दूरी माने पथ अंतर पूछ रहा है। कोई दिक्कत बेटा? चैप्टर पढ़े नहीं हो लेकिन सवाल आ रही है ना, उन्हें सारी सवाल। डेल्टा फाई बराबर टू पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। सवाल लगा लो फिर चैप्टर चलते हैं। आगे देखो, डेल्टा फाई की जगह टू पाई बाई लैम्डा जगह डेल्टा एक्स नहीं बना, पाइस पाई कट गए, ये इधर गुणा करें 0.5 दो इधर आया, उन्हें सा क्या दिक्कत है? कोई असुविधा? सवाल नंबर 9 पहुंच गए, पढ़िए। एक एक तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है। आवृत्ति का मतलब बच्चों, एक तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है, डोरी के किसी कण की कला में समयांतर 0.1 सेकंड में कितना अंतर हो जाएगा? कला अंतर पूछ रहा है, समयांतर दिया है, कला में कितना अंतर हो जाएगा मेरे कलांतर? तो जैसा कि स्क्वायर जानती हो, टी निकालना हो तो एन जो है टी का उल्टा होता है या टी एन का उल्टा। क्या सूत्र है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो, डेल्टा फाई बराबर टू पाई बाई कैपिटल टी। कोई डाउट? दो पाई बटा टी का मान नीचे का रूप है डेल्टा टी, क्या कहूँ बोलो, 20 दूनी 40 कम, क्या डाउट है? 0.40 पाई। हम लोग इसको चाहे तो 2/5 पाई लिख सकते हैं, 40/100 कर दे, 20 दूनी 40 20 25 100। नहीं समझे? ठीक है ना। सवाल नंबर 8, कंपनों का कलांतर पाई बाई 3 है। प्यारे साथियों, कलांतर माने डेल्टा फाई, दिया है पाई बाई 3। दो कणों का कलांतर पाई बाई 3 रेडियन, हम नहीं बोल रहे हैं, सवाल बोल रही है। कणों के बीच की दूरी 10 सेमी है, तरंग दैर्ध्य बताओ। तरंग दैर्ध्य बताओ, बीच की दूरी मतलब में पथांतर। क्या सूत्र होता है बताओ? डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बटे लैम्डी डेल्टा एक्स। लैम्डी ऊपर हो गया है,
टू पाई डेल्टा एक्स बटे डेल्टा पाई सिवानसो बदल लेते हुए यहाँ ध्यान दो मांग रख रहे हैं टू पाई डेल्टा एक्स डेल्टा पाई पाई स्पाई तीन ऊपर गए बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक तरंग की चाल 360 मीटर पर सेकेंड, मैंने क्या दिया हुआ बेटा v। क्वेश्चन ध्यान से पकड़े रहो, आवृत्ति 500 हर्ज है, पथांतर 12 सेमी, 12 सेमी माने पथांतर 0.12 मीटर, कलांतर वी और एन क्यों दिया है हमसे पूछो, लेमडा निकाल सको, लेमडा सूत्र क्या होता है, वी की जगह एन की जगह, बचपन में पहाड़ा पढ़ते थे आप 50 दूरी 100 लिख देते थे, 36 दूरी 72 हो जाता था, इतना समझ में आया। आगे देखो डेल्टा फाई वाला क्या फार्मूला होता है, 2π/λ इनटू डेल्टा एक्स। कभी कभी आप लोगों को कैलकुलेशन बड़ा तेज करा देता हूं मैं, दशमलव दशमलव करके 12 अक्षर लो रेडियन। एक तरंग की चाल 360 मीटर पर सेकेंड, आवृत्ति 500 हर्ट्ज, यही सवाल है एकदम। तो देखिए चाल भी बराबर आवृत्ति एन बराबर, मजा मत कीजिए, कलांतर 60 अंश है, पथांतर बताओ, देखो टेक्निकल कर दिया, पथांतर बताओ कलांतर का अंश है, कभी भी कलांतर अंश में नहीं होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, बदल लेना। यही सवाल जो है कुलदीप सर वगैरह पसंद है दे देते हैं घुमा के, बदले बच्चा, तो एक अंश बराबर पाई बटा 180 रेडियन, तो 60 अंश बराबर 60 पाई बटा 180, मैथ वाले तेज हार गया ना, ठीक है। अब ईश्वर का नाम लेते रहो, डेल्टा पाई बराबर 2π/λ डेल्टा एम, कठिन लग रही इसी बात, सो क्या सवाल है, डेल्टा फाई बराबर पाई बाई 3 लेमडी माने निकालना है, वी अपान यान 360 अपान, अब वही आ रहा है 0.72 डेल्टा एक्स ना ही मालूम, पाई पाई पिछा गुड़ा 0.72/6 12 6 क्या डाउट है, पचवा पढ़ दो, हाँ देखो एक सरल आवर्त तरंग का समीकरण 0.2, ध्यान से देखना, दो तरंगे हैं, एक तरंग का समीकरण है 0.40 साइन, -1.57 और दूसरी तरंग का समीकरण कोई बोलेगा नहीं 0.20 साइन, यहां गौर फरमाइएगा 1.57 + 1.57 यही बोले हैं। एक चीज आपको आज बता दे रहे हैं, जौन साइन के सुन जा भाई बताओ, साइन के जौन कोण रहा था वो का कहा जाता कला, का कहते मने इतना पूरा कला या तो पहले वाले कला या हिया से हिया कर, और दूसरे वाले कला हिया से यहाँ फाइबर माने पहले तरंग के कला,
तो पहले तरंग में साइन का कोणांक का वाद्य करता हूं ऐसी, और दूसरे तरंग के कला करा कलांतर, कलांतर माने क्या आ जाएगा बताओ, एम एस सी का घटाओ तो दोनों कट जाएंगे, कट जाएगी ना कलांतर आएगी कि नहीं, मजा आएगी कि नहीं। अगला कहा है।